अंदर हम आ ही गए हैं और अभी तो शीशा बंद है, लगभग 5 पीस हो गए ना। फ्रेम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब भाई, हो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही लेटेस्ट होने वाला है, क्योंकि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्यों अलग होने वाला है। ब्लॉग शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज हमारे सिस्टर की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट कहाँ पे होगी, एंगेजमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं कि एंगेजमेंट आज लखनऊ तो पता चलेगा होगा, लखनऊ कहाँ पे है। लखनऊ में यूनो हाउस इंडिविजुअल जिसका नाम है, और वहाँ पे चल करके एंगेजमेंट होगी। लड़के वाले तो लखनऊ वाले हैं, लखनऊ से ही हैं, बहरहाल हम लोग तो यहाँ से संत कबीर नगर से, तो वहाँ पे एंगेजमेंट में चलेंगे और एंगेजमेंट में बहुत सारा मज़ा आने वाला है। क्योंकि यार सिस्टर की एंगेजमेंट है ना, तो मज़ा तो आने वाला है और बहुत सारे वहाँ रिश्तेदार भी आने वाले, रिश्तेदारों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ब्लॉग को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 7 और आज सारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और मौसा जी के मेरे आदेश है कि रात में ही सभी लोग 3 से 4 बजे नहा धोकर के ही निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे 9 बजे एंट्री कर लेनी है। 10 बजे जो है वो हाउस खुल जाएगा और उसके बाद 2-3 बजे तक सारा प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद होटल भी खाली करना है। इसलिए मेरे मौसा का आदेश है कि सभी लोग जो है रात में ही सारा बैग पैकिंग हो जाएगा। पैकिंग होने के साथ साथ 3 से 4 बजे सभी लोग नहा धो लेंगे और नहा धो करके ही गाड़ी में बैठ जाएंगे, जिससे लखनऊ हम लोग 7-8 बजे पहुँच जाएंगे और होटल में एंट्री हो जाएगी। सो अभी हम चलते हैं तैयारियां करने, और थोड़ा सा रात है तो जो जल्दी से खा पी लें और उसके बाद सो लेंगे। सोने के साथ साथ 3-4 बजे उठेंगे, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे बहुत सारी पार्टी होने वाली यार। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए। तो ब्लॉग को चलिए शुरू करते हैं। सो ये हमारा बैग पैक हो गया है और सुबह के बज गए हैं 4 बजे से ही हम लोगों की तैयारी हो। चलिए चलते हैं अब। सो लखनऊ के गोमती नगर खंड में हम आ गए हैं और सुबह भी हो गई है, रात ही में हम लोग चले हैं। रात से चलते 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 सुबह हो गई और गोमती नगर विभूति खंड में सहारा बैंक के पास हम लोग पहुंच गए हैं। ये है वरीडन होटल जहां पे हमने बुकिंग किया था। गाड़ी फोन मैंने खड़ी कर दी है और हम पहुँच गए हैं गोमती नगर के पास। ये आप देख सकते हो, ये ओयो का टाउन हाउस है और इसी में आज मेरी बहन की जो है एंगेजमेंट होगी। और एंगेजमेंट का ये गेट है, किसी गेट से अंदर चलेंगे। और मैंने यहाँ पर वो जहाँ दिख रहा है वहाँ पर गाड़ी मैंने खड़ा कर दी है और उसके बाद चलते हैं एंगेजमेंट में। सभी लोग भाग लेंगे और उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम होता है उसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने सजाया रखा है और मेरी बहन का नाम मंजू है, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मंजू और दीपक, आज 17 तारीख है और उसी की एंगेजमेंट है। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने सजा रखा है। और अंदर हम आ ही गए हैं और अभी तो शीशा बंद है, लगभग 10 बजे एंगेजमेंट शुरू होगी। और जो एंगेजमेंट के जो लड़के हैं जिनका नाम दीपक है वो अभी 1 घंटे बाद आएंगे, उसके बाद वहाँ का कार्यक्रम जो है शुरू होगा। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर चलिए। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉस्मेटिक पौधा है और ये फूल है जो रात में ये जलता है और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो और भी देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है। चलते हैं अंदर और अंदर का लोकेशन देखते हैं कैसा लग रहा है। सो फाइनली अंदर होटल के अंदर आ गए हम लोग और सारी व्यवस्था हो गई है यहाँ पर। बस हम इन लोगों की तैयारी चल रही है, कुर्सियाँ भी खाली हैं। भैया जी जो है साड़ी पर स्टिकर लगा रहे हैं ताकि उन लोगों को गिफ्ट भी अच्छे से दे मिले। जहाँ पे भोजन बना हुआ है, अरे देखते हैं भोजन में क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी प्लेस है और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। ये लोग लगा रहे हैं, बैक कैमरे में दिखा रहा हूँ, बैक कैमरे। वाह क्या शानदार तैयारियाँ हुई हैं यहाँ पे होटल में।
होटल का तो सारा कुछ देख करके मन में तो पानी आ रहा है, अभी भोजन कर लिया जाए। बहरहाल व्यवस्था अच्छी खासी है, इन लोगों ने अच्छे से कर रखा। बाहर आ गए हैं क्योंकि वहाँ पर अंदर अभी गए थे और हम लोग तो लड़की वाले हैं, तो अभी हमें सारी व्यवस्था हो गई। लड़के वाले नहीं आए हैं, तो लड़के वाले की व्यवस्था हो रही थी और मौसी ने मेरे कहा कि जाओ पान का पत्ता और तिल लेते आओ। तो हम अभी चल रहे हैं इधर, ये गोमती नगर है, यहाँ से देखते हैं कहाँ पर पान का पत्ता मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये गोमती नगर का यहाँ पर सहारा हॉस्पिटल है, उसी के पास हम हैं। जब चल रहे हैं पान का पत्ता लेने में, देखिए मिलता है या नहीं मिलता है। चलते काफ़ी दूर आ गया और धूप भी काफ़ी है, इतना तेज है कि सहा नहीं जा रहा है। और मुझे लगता है कि पान का पत्ता जो लेना है, पान की टंकी यहाँ पर कोई नहीं है और काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं यही वो सहारा हॉस्पिटल है, ये सहारा हॉस्पिटल है, ये इसका गेट है। और इस धूप में मैं चल रहा हूँ पैदल और देखते हैं आगे वहाँ पे दुकान है कि नहीं है। चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं पान का पत्ता लेने। मैं पान का पत्ता लेना 5 पीस। हो गए ना, पत्ता मिल गया। अब चलते हैं और पान का पत्ते के साथ तिल का भी तेल लेना था। और वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है। दोस्तों मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया, चलते हैं वहाँ का लुक कुछ अलग ही होगा। वहाँ पे अभी तैयारियाँ हो रही हैं और मिष्ठान उष्ठान भी रखा जा रहा है। और मेरे मामा मेरे मौसी सभी लोग वहाँ बैठे। चलिए वहाँ पर चल के देखते हैं। ये देखिए अच्छे तैयार चल रहे हैं। ये मेरी मौसी डब्बा ली हैं, मम्मी जी मेरी लाल कलर के साड़ी में बैठी हुई हैं, बाकी मेहमान धीरे धीरे आ रहे हैं, तैयारियाँ जोरों शोरों से हैं। मौसी हैं हमारी, सारी मौसी हैं और लोगों का इंतज़ार हो रहा है। सो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और लड़के वाले भी आ चुके हैं। देख लीजिए ये पूरा पंडाल भरा हुआ है और सिस्टर भी मेरी तैयार हो चुकी हैं और कुछ ही देर में पूजन की जारी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मंच पे पंडित जी आने वाले हैं और यहाँ पर ये हमारे दूल्हे साहब और दुल्हन वाले, ये दूल्हे के पिताजी और दूल्हे के पार्टी वाले इधर, और हम लोग लड़की वाले भैया जी भी यहाँ पर सब कुछ नाश्ता के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मेरा भोजन, लो भाई ये आ गया, अभी नाश्ता कर लो, अब तक हम भी कर लेते हैं। लड़के वालों का पूजन हो चुका, आ गई मेरी सिस्टर और बाकी सब तैयारियां अच्छे से हो गई हैं। अब ऊपर बैठेंगी और लड़के वालों की तरफ से लोग आकर के कुछ भेंट स्वरूप कुछ दान करेंगे, कुछ बातें करेंगे। लो भाई सभ्यता हमारे यहाँ की संस्कृति कुछ अलग ही है, जो एक भारतीय होने का एक अलग ही एहसास दिलाती है। देखिए अब बारी आने वाली है लड़के की बहन की। सो अब लड़के की बहन आने वाली है, यही है चेहरा थोड़ा मेल खाता होगा। हाँ अब इन्होंने मेरी बहन को चंदन लगा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह वाह।
कुछ कुछ भेंट भी इन्होंने दिया। उसके बाद तो भीड़ लग गई और अब आ गए लड़के। अब चैप्टर शुरू होता है रिंग सेरेमनी का। वाह, आ गई सगाई की अंतिम क्षण। अब इन्होंने पहन के तो पहना दिया रिंग, काफी खुश लग रहे हैं। रिंग पहनाने के बाद इन्होंने केक काटा और एक दूसरे को माला पहनाया। वाह क्या बात है, वाह इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सभी लोग क्लिपिंग कर रहे हैं। चलिए भोजन की तरफ, यहाँ तो सारा कार्य खत्म हो गया। भोजन में क्या क्या बना हुआ है? अरे भोजन तो बहुत सारा बना हुआ, नाम क्या बताऊँ। पुलाव है, दल मखाना है, शाही पनीर, और भी बहुत सारे भोजन बने हुए। हमने भी भोजन खूब अच्छे से किया। पार्टी में तो बहुत मज़ा आया, मज़ा आने के साथ साथ हमने जो है काफ़ी लोगों से मिली और बातचीत भी किया। रिंग सेरेमनी होते 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 यार दोस्तों 5 से 7 बज गए, क्योंकि 2 से 3 बजे ही खाली करना था, तो 2 से 3 बजे नहीं हो पाया, तो उसके 5-7 बज गए। और 5-7 होने के साथ तब सभी लोग आपस में मिले और रिंग सेरेमनी में काफ़ी मज़ा आया। मज़ा आने के साथ साथ हम लोग वहाँ से वापस ही आ रहे थे। तब तक बुआ का लड़का था विकास, विकास की तबीयत खराब हो गई, और जब उसकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि उसको हीट स्टोर हो गया था, एसी में थे और एसी में से निकला वो जाने वाला था अपने घर पर, और हीट स्टोर हो गया, उसकी सांस भी फूलने लगी। तो हम लोग जा करके जो है लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग वहाँ से लगभग 3 से 4 बजे चले जाते। 3 से 4 बजे चलने से दोस्तों जो है रास्ता इतना लंबा था कि हम लोगों को नींद आने लगी थी, और नींद आ भी रही थी। मेरा जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी नींद आता, रास्ते में कई बार वो ब्रेक लिया और सोने गया, और यार ब्लॉग की जो है एडिटिंग भी नहीं कर पाया। सोए, दिन भर सोए, तब जा करके एक दिन बाद आज उठा हूँ और अभी भी थोड़ा सा शरीर में दर्द हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करना था, क्योंकि ब्लॉग तो परसों का था और एक दिन और छुट्टी हो गई, और फिर तो अभी उठा हूँ तो सोचा मैंने ब्लॉग जो है एडिट करके डाल ही देता हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा और आपको मेरा ब्लॉग नहीं मिल पाएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और चल रहा हूँ मैं एडिटिंग करने, और एडिट करके ब्लॉग आपको देने वाला हूँ। उम्मीद है यार बहन की एंगेजमेंट की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आज भी सेट करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को दीजिए अपनी इजाज़त, नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।